और जब आप बाइक उड़ा रहे थे ऐसे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हंड्रेड नहीं 200% डेफिनेटली। कैसा एक्सपीरियंस था पहले बताइए? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था और मज़ा आया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आज रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक एडवेंचरस ट्रिप में लेके जाने वालों एक डार्ट पार्क में जहाँ पे होगी एक बढ़िया सी ट्रैक। तो फाइनली हमारे पास देखिए दोनों बाइक रखा हुआ है और ये बाइक लेके आज हम करने वाले हैं डार्ट रेस, वो भी एक बढ़िया सी ट्रैक के साथ। तो चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं डार्ट ट्रैक की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कैसे प्रिपरेशन किया गया है आज के रेस के लिए। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं डार्ट रेस का ट्रैक जो बना हुआ है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो अभी एकदम मौसम साफ़ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है पूरा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रेस स्टार्ट हो गया है, मतलब काफ़ी सारे राइडर्स ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं हिमालयन 450 के साथ। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर पार्टिसिपेट करेंगे ये डार्ट रेस में। तो अभी ग्राउंड में हमारे साथ सौरभ दा है। सौरभ दा, लास्ट ईयर में भी ये डार्ट पार्क में हम लोग आए थे, तो इस ईयर में स्पेशल क्या हो रहा है यहाँ पे? लास्ट ईयर इट वाज लाइक हिमालयन 411 था हमारे साथ और नाउ वी हैव हिमालयन 450। सो नया वही है कि हिमालयन 450 से हम सभी कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करा रहे हैं कि राइडिंग्स कैसे होते हैं, स्लैशेस में कैसे जाया जाता है। सो पार जो डर्ट ट्रैक है उसको भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए इस बार, सो ताकि लाइक पीपल गेट, कस्टमर्स गेट लॉट ऑफ मोर एक्सपीरियंस, मोर थ्रिल, मोर एडवेंचर। सो एवरी कॉर्नर, एवरी टेबल टॉप इज इंक्लूडेड ओवर हियर एट द ट्रैक, गिव्स ए न्यू थ्रिल। सो इस बार 100 नहीं 200% ज़्यादा डेफिनेटली। ट्रैक भी और भी पहले से ज़्यादा मस्त लग रहा है, एकदम आपको एडवेंचरस एक फील डेफिनेटली देगी, फील भी दे रही है। उसके बाद लाइक जो माहौल है अभी, वेदर भी बहुत अच्छा है, वेदर इज ऑल्सो सपोर्टेड अस एंड आफ्टर ऑल यू नो जब रॉयल एनफील्ड ब्रांड कुछ करे तो ऑब्वियसली वेदर डेफिनेटली। तो चैलेंजेस यही है कि राइडर्स हमारा कैसे परफॉर्म करता है उस ट्रैक में, चलिए जाके देखते हैं। चलिए प्लीज़। तो अभी आपको एक बार ये ट्रैक जो है दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भरी रास्ता है और पीछे से हमारा एक राइडर भी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में बारिश हुआ है तो काफ़ी स्लिप कर रहा है बाइक, और यही एक बड़ा चैलेंज है कि ऐसे रोड पे आपकी बाइक कैसे परफॉर्म करती है और आप कैसे राइड करते हो। तो चलिए देखते हैं अपना राइडर्स कैसे यहाँ पे राइड कर रहे हैं और फिर मेरा जब बारी आएगा मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको बताऊँगा कि ऐसे रोड पर भी आप हिमालयन 450 लेके कैसे राइड कर सकते हो। तो ट्रैक हमने देख ही लिया है, अभी शुभम भाई जा रहे हैं उस ट्रैक में राइड करने के लिए। तो शुभम पहले बताओ, ऐसे ट्रैक इससे पहले कभी राइड किया हो ऐसे ट्रैक में? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा तो ऑफ रोड, लाइक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। लाइक आउट इन द वाइल्ड एक्सपीरियंस है बट देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड राइडिंग इन अ डर्ट पार्क इज अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग। और आज चैलेंजेस और ज्यादा है क्योंकि बारिश हुआ है, रास्ता और भी खराब है। जब बारिश हुआ था आई थॉट दैट द एंटायर प्रोग्राम विल बी कैंसिल्ड, सो देन आई टेक्स्टेड इन द ग्रुप, आई आस्क्ड देम, दे आर लाइक नहीं हिमालयन है यार, कैसे हिमालयन 450 के साथ आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो अभी मैं हूँ एकदम ट्रैक में और यहाँ पे रोहित भाई है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो रोहित भाई जैसे आप सबको मदद कर रहे हो अभी मैंने वीडियो में जो देखा, तो इसका थोड़ा सा करके एक टिप्स दे दो अगर कोई नया राइडर। बेसिकली कॉर्नरिंग पे क्या होता है कि फ्रंट व्हील जो है, जो हब होता है, फ्रंट व्हील थोड़ा सा उठाओ और थ्रॉटल दो, कंटिन्यूस थ्रॉटल दो, सामने का ब्रेक एकदम नहीं, जहाँ पे कीचड़ है सामने का ब्रेक एकदम ही यूज मत करो, थ्रॉटल दो, हैंडलिंग पे फोकस करो, बस यही दो टिप है कि ब्रेकिंग मत करो। तो चलिए वैसे मौसम भी अभी अच्छा हो गया है और देखते हैं राइडर्स लोग कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। आपको भी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अभी इसके बाद मेरी बारी और मैं राइड करूंगा इस कीचड़ भरा डर्ट पार्क में और देख ही सकते हैं रास्ते का जो हालत है, गिरना है अगर संभाल के आप बाइक नहीं राइड करोगे। तो चलिए एक बार ट्राई तो जरूर करेंगे, लास्ट ईयर में इतना बारिश नहीं हुआ था तो
ट्रैक थोड़ा सा ड्राई था और काफ़ी मज़ा आया था ऐसे जंप करने में। इस जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से जंप करने में लास्ट ईयर काफ़ी मज़ा आया था, पर अभी अगर जंप करने जाएंगे तो सीधा गिरना है क्योंकि पूरा भर गया कीचड़। पर कीचड़ में भी अलग मज़ा है, वो भी हिमालयन 450 के साथ। तो अभी हमारे साथ प्रियांशु भाई है। प्रियांशु भाई जस्ट अभी राइड करके यहाँ पे पहुँचा है, तो प्रियांशु भाई कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था। और कितने बार गिरे पहले बताओ? तीन बार। तीन बार गिर चुके फिर भी हाल तब भी मैं सोचा था पांच बार गिरूंगा, तो दो बार वही मैं देख रहा था। गिरने के बाद भी भाई साहब काफ़ी मतलब अपना हौसला दिखाया और पूरा ट्रैक विदाउट गिरे, लास्ट दो बार विदाउट गिरे कम्प्लीट किया। तो चलिए आगे और भी राइडर्स हैं, सबसे बात करेंगे और देखेंगे किसको कैसा लगा एक्सपीरियंस। तो अभी हमारे साथ रोहन भाई है। रोहन भाई आप मतलब रेडी हो? इससे पहले ऐसा राइड की होगा अभी हिमालयन के साथ? दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो कैसा लग रहा है अभी? काफी लोग गिरते हुए देखे हैं आप, तो कैसा लग रहा है? नया एक्सपीरियंस। चलो देखते हैं और संभाल के बाइक चलाना, सेफ राइड सेफ लाइफ। तो चलिए बाइक आपका रेडी है? वैसे रेडी तो है नहीं, बाइक का हालत देखिए काफी कीचड़ भरा हुआ है, पर इसी राइड बाइक में ही आपको राइड करना है आराम से। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। ओके come on people, listen up, hold on over here, hearing the tracks, being just awesome with this machine. तो भाई मैं अभी मिडिल ऑफ द ट्रैक हूँ, काफ़ी सारे राइडर्स ऑलरेडी राइड कर चुके हैं, आगे एक और राइडर आने वाला है जो थोड़ा सा क्रेजी है, तो उसका राइडिंग हम देखेंगे। तो उसका राइडिंग देखने के बाद आपको लगेगा कि हिमालयन 450 का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए ट्रैक पे और उनका स्पेशल जो राइड है वो दिखाते हैं आपको। तो अभी जो धमाकेदार राइड देखा गौरव भाई का राइड था, तो इतने बार कितने बार गिरे पहले बताओ? कितने बार था? पांच आठ बार, सात आठ बार होगा। बिल्कुल चोट वोट तो नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल बिंदास। और कैसे लगा हिमालयन 450? हिमालयन 450 का तो पावर में कोई कमी नहीं, पावर में कोई कमी नहीं, पावर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हिमालयन 411। ओके ओके, चलो नेक्स्ट राइड के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो भाई राइड करने के बाद बाइक का कुछ हालत देखिए, एकदम कीचड़ भरा हुआ है। तो हर एक राइड के बाद हमारा चल रहा है बाइक टेस्टिंग, क्योंकि टेस्ट करने के बाद फिर नया ट्रैक के लिए बाइक रेडी होगा। तो देखिए बाइक का हालत कुछ ऐसा है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि हिमालयन 450 है तो इसलिए एक के बाद एक राइडर इसमें राइड कर सकते हैं। और इसके आगे मेरी बारी, मैं भी राइड करूंगा इस बाइक को और आपको बताएंगे इसका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। तो फाइनली गाइज मेरी बारी, और ये देखिए एक बेहतरीन सा आर्मर पहन लिया हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। और सेफ्टी फर्स्ट, तो पहले सब गियर्स पहन लेते हैं और फिर यहाँ से राइड शुरू करेंगे आज का। तो देखते हैं ये नया एक्सपीरियंस कैसा लगता है ऐसे रोड पे राइड करने के लिए। तो फाइनली गाइज मेरी बारी, और देखिए बाइक का हालत कुछ इस तरीके का है। तो कोई नहीं, काफ़ी कीचड़ भरा हुआ रास्ता है और चैलेंजेस ये हैं कि इस रोड से हमको ये बाइक को लेके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राइड। फोर फिफ्टी का इंजन है भाई, थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो काफ़ी बढ़िया है इसकी, पर कितना बैलेंस कर पाता हो वही सबसे बड़ी चैलेंज है। रोड का हालत देखिए, दूर से देख के कुछ
लगेगा नहीं पर बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा है। और देखिए चैलेंजेस ये है, इसके ऊपर से जाना है, बहुत मुश्किल है भाई। थामाई। जो डर था वही हुआ, अल्टीमेटली स्किड कर गया टायर। पहले लैब में हालत खराब है, पीछे का टायर बहुत ज्यादा स्किड कर रहा है यार। हैंडल को स्ट्रेट रखना है नहीं तो पूरा स्किड करेगा गाड़ी। ये वाला बढ़िया था। अभी ये एक भाई गिर गया भाई। इतना इजी नहीं है रोड, आप देख सकते हो पूरा कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ में इतना स्किड कर रहा है कि थोड़ा तेज चलाओ तो पीछे का टायर स्किड करेगी। एक और रास्ता है यहाँ पे, थोड़ी देर पहले काफ़ी लोगों को गिरते हुए देखा है, अभी मेरी बारी है। चलो चढ़ गया, तो भाई इतना इजी नहीं था रोड, पर जैसे हिमालयन 450 ने अपना जलवा दिखा दिया, काफ़ी अच्छे से राइड किया, दो चार बार टायर स्किड किया, एक बार शुरू में गिरा था, पर बाकी जब आप इस बाइक को अच्छे से समझ लोगे तो खास कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। बहुत अच्छे से इस बाइक को लेकर मैं इतना टफ रोड क्रॉस करके आ गया, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो चलिए अभी नेक्स्ट राइडर हमारा रेडी है, चलिए भाई बेस्ट ऑफ लक। ओके ब्रदर आ रही। ओके ओके चलो तो अभी हमारे साथ वन एंड ओनली लेडी राइडर निकिता मैम है। तो मैम अभी कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा सा डर है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये मेरा, बाकी देखें क्या होता है, जितना तो है ये है, सोच के ही रखा है थोड़ा कीचड़ खा के जाना है, बट जितना होगा अच्छे से राइड करना है। बैठने का फीलिंग कैसा है मैम बाइक में? थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लग रहा है क्या? हाँ। तो चलिए यही चैलेंज होता है फर्स्ट टाइम कोई लेडी राइडर को हिमालयन। अच्छा काफ़ी हाइट है, वही चैलेंज है, देखते हैं मैम कितना अच्छे से राइड करते हैं। मैम बेस्ट ऑफ लक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का राइड। तो फ्रेंड्स देखिए अभी
निकिता मैम राइड कर रही है, वो भी हिमालयन 450 के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से। उनका हाइट वैसे काफ़ी कम है इस बाइक के हिसाब से, फिर भी देखिए काफ़ी बढ़िया से राइड कर रहे हैं। तो सी इज द फर्स्ट लेडी राइडर, काफ़ी चैलेंजेस है। हिमालयन वैसे 850 mm की सीट हाइट के साथ आती है और उस बाइक में ऐसा राइड मतलब बढ़िया। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से राइड किया। तो मैम काफी बढ़िया राइड किए, तो अब कैसा एक्सपीरियंस था पहले बताइए? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था और मजा आया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, वो भी हिमालयन में जिसकी हाइट है 850 mm, वो लेके आप राइड के इतना कीचड़ में, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज था। लतीफ अली इज देयर ऑन द ट्रैक राइट नाउ, बट वो हाइट में छोटा है, वेट तो दोनों का सेम ही है, तो वेट मैटर नहीं कर रहा था, मैटर कर रहा था हाइट क्योंकि मेरा लेग्स नहीं पहुंच रहे थे, बट आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मेरा ग्रेट। फिर भी काफी अच्छा चला है, ट्रैक पूरा कंप्लीट किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए आगे का राइड देखते हैं हम लोग। तो फाइनली मेरा राइड हो गया कंप्लीट और ट्रैक में अभी काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो अभी तक राइड कर रहे हैं और गिर भी रहे हैं, रास्ता और भी ख़राब होता जा रहा है। तो आज का ये राइड कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ऐसे एडवेंचरस ट्रिप के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नया कोई एडवेंचरस राइड के साथ। तब तक के लिए सेफ राइड, सेव लाइफ।